देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रुझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची भंडारा। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम आज भंडारा के वर्ठी रोड पे शास्त्री चौक पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम इसलिए एकत्रित हुए, अभी जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसमें कांग्रेस और भाजपा की तरफ से दो उम्मीदवार हैं जो कि भंडारा से हैं, वो है एक नाना पंचुदे और दूसरे हैं सुनील मेंडे। ये दोनों का यहाँ के मतदारों से क्या, दोनों को यानी मतदाताओं को यहाँ के जो दो चुनाव के उम्मीदवार हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। सर आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं एक सर्वसामान्य नागरिक हूँ जी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ जी, ना किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करके मैंने कोई मेंबरशिप नहीं ली जी। ये सर्वसामान्य नागरिक करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो उम्मीदवार है वो दोनों हमसे संबंधित क्योंकि हमारे एक ही गांव के हैं जी। लेकिन अभी जो अगर देश का अगर हमने विचार किए तो इस दृष्टि से मोदी सरकार बहुत बेस्ट है और सब सर्वसामान्य जनता भी जो अभी जो चल रही है जमीन चल रही है कि मोदी को देखो वोट मारो, इतना ही बोल सकता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, कौन सा उम्मीदवार का गलत है कौन सा अच्छा है ये कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि प्रफुल्ल पटेल जो यहाँ पे यहाँ का एक चेहरा रहे हैं तो इसका कुछ फायदा होगा? नाना पंचू को देखो, 5 साल के पहले तक प्रफुल्ल पटेल चेहरा थे, लेकिन अभी पूरा चेहरा जो है यहाँ पे देखो तो वहाँ मोदी जी दिख रहा है, यहाँ देखो वहाँ मोदी जी दिख रहा है, मोदी देख के ही लोग वोटिंग करने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मोदी दिल्ली में है तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे उम्मीदवार तो ही रहे, हमको मोदी दिख रहा है, कमल का फूल दिख रहा है, वहाँ पे ये जनता, मैं तो उसको वोटिंग करने वाला हूँ। सर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपने जैसे कहा आप आम नागरिक है यहाँ के, तो आम नागरिकों की मूलभूत जो गरज होती है, जरूरत जो होती है वो क्या होती है? अन्न वस्त्र जी, तो आपको ऐसा लगता है विद्युत है जी, पानी है जी, हो रहे हैं जी, जो बंडा सीरी के लिए और कुछ आश्वासन मिला कि होने वाला है। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी जी, यहाँ पे गुस्से को डैम मिल गया, नदी में कम से कम 15-20 फीट पानी है, लेकिन जो कम से वगैरह जो सब पूरा रहे उसके लिए भी पुस्तक भी पेपर में आया था न्यूज में कि 70 करोड़ की पुस्तक भी योजना मंजूर हो गई है, प्रगति हो रही है, काम चल रहे हैं, चारों तरफ मेरे नजर में एक सर लागे करके मोदी जी की तरह। धन्यवाद सर। सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि कांग्रेस के राज में यहाँ पे एक बेल प्रकल्प आया था, आपको याद होगा, एक वीडियोकॉन का प्रोजेक्ट आया था, वो दोनों प्रोजेक्ट अब भी बंद है, बंद है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए 4 साल का जो शासन मोदी सरकार ने किया इसमें जो 5 साल पहले अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे भेल स्टार्ट हुआ, मैंने उसका एक वो दिया था आश्वासन कि ये चालू होगा, उस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ के किसानों की जमीन ली गई जिन्हें मुआवजा देने की बात की गई थी, मुआवजा तो छोड़िए वो मिला नहीं मिला ये बात की बात है, बट उसके अलावा वहाँ पे ये बोला था कि किसानों को नौकरियां दी जाएगी, तो उसके बारे में आप कहना क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल से तो उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ी हुई है। अभी आपने एक सज्जन से पूछा था कि भाई जी का चेहरा देख के वोटिंग होगा, जिस भाई जी ने वो प्रोजेक्ट ही नहीं लाए जी, खाली नेमप्लेट लगा दी, वो चालू ही नहीं हुए, लोगों को रोजगार नहीं मिला, ना बेल चालू हुआ ना वीडियो कॉल चालू हुआ जी। और एक बीच में आपको मालूम होगा यहाँ रोना एक गांव है जी, उधर पावर प्लांट के लिए जमीन हस्तांतरित की गई जी, उसकी मलाई खाली गई लेकिन पावर प्लांट बना नहीं जी, ये राष्ट्रवादी का काम है जी। दूसरा, मोदी जी को लोग वोट क्यों करें? आज तक किसी ने गर्गुल की योजना दिया नहीं, आज धड़ाम चालू है, किसी ने वो टॉयलेट के लिए सोचा नहीं, वो मोदी जी ने सोचा। रहा सवाल बेरोजगारी का, बेरोजगारी इतने 70 साल से जो चलते आ रही वो एकदम से कम होगी नहीं, नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके होगी, और किसी ने भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि मोदी हमारी बेरोजगारी कम करेंगे। एक आदमी लड़ रहा है, एक आदमी लड़ रहा है, उसमें 12-32 पक्ष इकट्ठे होके उस आदमी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सच्चा नहीं होता तो इतने सारे दुश्मन नहीं पालता। तो आपका कहना इनडायरेक्टली ये है कि 30 साल हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिए, अब हमें 30 साल भाजपा को देना चाहिए। 30 साल मत दीजिए, आने वाले 5 साल दीजिए, 5 साल में वो रौनकदार एरिया दिखा देगा। धन्यवाद सर।
आप बुजुर्ग है सर, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा हुआ है और अब बीजेपी का भी देख रहे हैं, आपको क्या फर्क नजर फर्क ये आ रहा है? जी पर कांग्रेस ये कह रही है कि नोटबंदी एक सबसे बड़ा नोटबंदी को अरे उनको बोलने से क्या होता है, जिसको दिमाग है वो नहीं बोलता जी, जो कली भाई भाई को दिमाग है वो नहीं बोल सकता जी, समझे क्या जी? आप ये कहना चाह रहे मोदी ने जो काले धन की बात की थी वो बहुत होते में आया, अब जिन्होंने 35 साल किए 2 साल 5 साल में किया और 5 साल मिल जाएंगे ये काले धन सब बंद हो जाएंगे, लोग सुखी हो जाएंगे, समझेंगे क्या? थैंक यू सो मच सर। सर आपने सभी को जमा किया, दो शब्द हाँ सर बताइएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में किसका जो भविष्य है वो उज्जवल लगता है आपको? मुझे तो भविष्य लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छा लगता है। क्यों लगता है सर? क्यों लगता है? क्योंकि राष्ट्रवादी के जो ऐसे लोग हैं वो ज्यादा लफंडर नहीं है, फेंकने वाले नहीं है, देसी सेवा करने वाले हैं। पर सर भेल प्रोजेक्ट अभी तक चालू अभी तक चालू नहीं हुआ, अभी तक के चालू नहीं हुआ, वीडियो कॉल पे भी के बने बट भेल पर इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने नहीं, बट हमने अभी 2 दिन पहले उनका एक सभा हुआ था यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल का, तो उसमें हमने उनसे ये सवाल पूछा था बट उन्होंने उसको नजरअंदाज किया, लिटरली उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि भेल क्यों चालू नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चालू नहीं मुझे बोलना है, मुद्दा ये है कि जब 4 साल में बीजेपी सरकार इतना प्रोग्रेस कर सकती है, बीजेपी सरकार ने सिर्फ मेट्रो का ये नॉमिनल है, मेट्रो वगैरह कुछ नहीं सर, पर मेट्रो के थ्रू लोगों को आमदनी मिली है, लोगों को काम मिला है, काम तो मिला है जी, लेकिन उनका फायदा हम लोगों को नहीं होने वाला है, मेट्रो से कोई जाने वाला नहीं है, कोई ट्रेवल्स करने वाला नहीं है। नहीं पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नागपुर से भंडारा जब मेट्रो बनेगा तो 30 मिनट में आप नागपुर का डिस्टेंस तय करेंगे? नहीं कोई अभी बनने वाला नहीं है, वो सब वहाँ पे सीमेंट कोई हम ये बात जानते नहीं है, हम कोई जानते नहीं है मेट्रो बनेगा ये बनेगा भंडारा क्या आएगा, भंडारा के लिए लोग वहाँ से चले जाएंगे, नागपुर चले जाएंगे, दिल्ली ये मैं नहीं मानता। ओके थैंक यू सो मच सर, कहिए सर। सीमेंट रोड आज जो देख रही है भारत की जनता उसकी देन ही भाजप है, इतने सारे कीचड़ से चलते लोग जी, ये सारे लोग बताएंगे प्रफुल्ल पटेल के एक बाप दादा ने एक रोड बनाया था गांधी चौक से नड्डू भाई पटेल, इतना रोड बनाया था सीमेंट रोड, कोई भी बता देगा नड्डू भाई पटेल कारखाने से लेकर गांधी चौक तक, अपनी धरोहर का सीमेंट रोड बनाया था, बाकी भंडारा में रोड बनाए भाजपा ने जी, 6 महीने के बाद इतने बड़े बड़े अभी करते हैं जी, बाइक छोड़ो ट्रक भी जाए ट्रक वाला आगे खोल के आगे निकल जाए, तो आपको ऐसा नहीं लगता सर कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हमने ये जो भी कार्यकाल हो चाहे राष्ट्रवादी, देखिए हम किसी पक्ष के तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक आम ओपिनियन ले रहे हैं, तो उस आम ओपिनियन में हमारा कहना है ये जब हम एक जिम्मेदार नागरिक है भारत के तो हमारा क्या काम बनता है, जब हमें इस तरह का भ्रष्टाचार तो हमने क्या करना चाहिए? सब हाथ बंधे हुए मैडम, नहीं ना सर बंधे हुए बंधे मैडम, अभी भी कुछ भी बोलो 19-20 बोलो घर में आ जाइए, 19-20 बोलने का अधिकार नहीं है, आप पे चल रही है ये क्या बोलते हैं अपना हुकूमतशाही चल रही है, नहीं सर आप लॉक पूरे मैडम भारत में चल रहा है हुकूमतशाही चल रहा है, अगर 19-20 बोलिए सर, अगर हुकूमतशाही चलती सर तो आप शायद यहाँ पे नहीं बोलते, ये 100 रुपए कमाने वाले इंसान है, सब पांडे वाले 100 रुपए कमाने वाले इंसान है, नहीं सर आप ऐसा नहीं बोल सकते, हुकूमतशाही मैडम बोल ले रहे हैं सर, ये 100 रुपए
100 रुपए कमाने वाले पांडे ले लो, उसके चार बार उठाया, चार करके पांच बार उठाया जी, और 300 रुपए मिले एक ओडीए महिला ने, वो 300 रुपए मिले, वो एक महीना चक्कर लगाती बैंक 300 रुपए के लिए, वो एक महीना चक्कर लगाती बैंक, अगर वही महिला अगर रोजी में जाएगी 50-60 रुपए से, वो 1000-2000 रुपए कमाएगी महीने का, 1000-2000 रुपए कमाएगी महीने का। आज बैंक में जाओ, हमारी लाइन छोड़ो, उनकी लाइन बेचारे को पैर से घुसते हो जाते हैं। तो आप भाजपा सरकार के विरोध में? विरोध नहीं मैडम, ये सिस्टम ही बराबर नहीं है, सिस्टम का कांग्रेस सिस्टम बराबर है। चाहते एक स्वतंत्र उम्मीदवार होने की वजह से है, एक स्वतंत्र उम्मीदवार चाहिए आपको या फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बायकॉट करेंगे? ये तो हमारी बीजेपी बोलो तो सर के बाहर है मैडम जी, सर के बाहर बोलो, ये सर के बाहर है। अगर 19-20 भी कर दिया दाद दो इसको, बिल्कुल पर सर पानी की सुविधा तो हो गई है, पानी की सुविधा कौन मंडल मोदी साहब ने भी बोले का पानी बंद हो जाएगा। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि वो इतना बड़ा नाग नदी का पानी है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी वक्त देना पड़ेगा? 5 साल हो गए ना, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता? कम से कम नगराध्यक्ष बने थे, कम से कम पाइपलाइन बदल लेंगे उन्होंने, अभी भी गंदा पानी आ रहा है घर में जी। ये फुटपाथ वाले बेचारे 5 बार पानी ले गए, क्या खाएंगे, बेरोजगार है बेचारे, बेरोजगार है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो गांधी चौक का जो इनोवेशन हुआ है ये गलत हुआ है? नहीं, देखो देखो झंडा कहां लगाते थे गांधी जी के पीछे के आगे, ये बात बताओ तुम मेरे को, यानी पीछे के आगे लगाते जी, लेने का अपमान नहीं हो रहा क्यों? और तो सर आप लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन क्यों लिया? अब मीडिया का लेने को ना, मीडिया सिर्फ एक माध्यम होता है, माध्यम नहीं है, तुम्हें टूटा सकते हैं, तुम्हें दबा सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं, तुम बोल सकते, तुम्हारे पीछे हम खड़े रहते, हम तुम्हारे साथ खड़े रहते, क्योंकि मीडिया पुलिस पे इल्जाम लगा रहा है। नहीं, सीधा सीधा है, हम किसी के साथ नहीं, कितने कितने करते नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि हम बीजेपी का खाते? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं मीडिया बिकी हुई है, मीडिया किसकी? जिसकी सत्ता उसके साथ मीडिया रहती है 100% जी। मैंने आपका कहना ऐसा है जो काम करे उसे हम ना बोले? नहीं नहीं, जिसकी सत्ता उसके साथ। थैंक यू सो मच सर, यानी बिल्ली गम्मानोचे जी। बोलिए सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा जो भी यहाँ पे है बीएसपी, इन सारे जो उम्मीदवार यहाँ पे है उनसे आपको क्या लगता है किसका भविष्य उज्ज्वल होगा? जो देश का भला करे, यानी आम आदमी का। अभी मोदी जी ने जो सिलेंडर दिया, गैस दिया जी, सब्सिडी में उसको सब्सिडी मिली है, वो सब्सिडी से निकाल रहा, जितना दिया उतनी रकम फिर दिया, लेकिन उतनी रकम निकाल के गरीब के पास से आदत लगा दिए, खाना बनाने की चूल्हे भूख रहे थे, अभी वो खाना गैस में बना रहे, लेकिन उसको आदत गिर गई, वो मजबूरन ले रहे इसके, उसको यानी सब्सिडी लेने में। यानी आपका कहना ये है कि जो लकड़ी पे खाना औरत बनाती थी उससे वो सेफ की और इससे धोखे में आ गई है? हाँ, ऐसा कहना है। हाँ, कैसा ऐसा बोलो ना, सब्सिडी में फ्री में दी है गैस, उसको अभी लेने के गैस लेने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, सिलेंडर उसकी सब्सिडी नहीं मिल रही, और रिचार्ज अभी टीवी में है वो भी बंद कर दिए, चैनल बंद हो गए, आम आदमी को बहुत परेशानी होंगे। नहीं, मुझे गवर्नमेंट के बारे में बिल्कुल ये कहूंगा मैं, ये लफंडर गवर्नमेंट है, कोई लोगों का काम जो करना है, यानी आपका नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मैडम, लोगों का काम जो करेगा वो सरकार बनेगा, बिल्कुल जो काम लोगों का करेगा वो सरकार बनेगा, यही बोलना है। 5 साल के अंदर 21 स्टेप 18 स्टेप लोगों के बारे में जो स्टेप लेना था, सही स्टेप लेना था, रियल स्टेप लेना था, वो स्टेप नहीं ले पाए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव, यहाँ पे हमने शास्त्री चौक में भंडारा में हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी, यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को ये फेकू सरकार है और बीजेपी वाले बहुमत से उसके साथ है, तो आगे की
खबर के लिए, आगे की जगह के लिए और आगे की सविस्तर माहिती के लिए आप हमसे जुड़े रहे, देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।